और आ जाए हम स्कूल की करने के लिए। स्कूल चल रहे हैं, शिवम क्या बनेगा? आलू के परोठे। लो अब बताते हैं हम क्या क्या लेकर आए। आलू के परोठे तो बनेंगे, क्लीनिंग वगैरह कर दी, जहाँ बैठना। ये हमारी दही, ये बटर, ये बर्तन जो सर्विंग के, यहाँ देखो ये है पिट्ठी आलू की, ये रहे, ये हमारी बहुत टेस्टी यम्मी शिवम ने बनाई है सब्जी, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। ये मेरा आटा, सब दही से खाएंगे, मैं चाय से खाऊंगी। और ये हमारा देसी बटर, और ये पलोठा। चलिए, और ये मेरा चूल्हा। अब होगी तैयारी हमारे देसी खाने की, वो बनेंगे देसी घी के पराठे। चलिए, आप देसी अंदाज, देसी तरीका। और ये जो हमारे ढाबे में एक्स्ट्रा लोग रहते ना, ये वो वाले टाइप है। ये हमारे स्टूल तरह से, अब हमने जो सेटअप करा वो इस तरह करा, यही होंगे। और अब बनेंगे बड़े बड़े पराठे, एक्स्ट्रा बना बना के मैं रख देती हूँ यहाँ प्लेट पर, ताकि ये बेलता रहे, क्योंकि अब बहुत अच्छे से हो गए तैयार। कितने ही बनाओ, कितने ही खाओ। वहाँ कबूतर भी खाना ही खा रहे हैं, नहा रहे हैं, दादा नहा रहे हैं, धो रहे हैं। ये बैठे हम सारे एक के बाद एक, ये सब्जी, ये आ गया पराठा। ये अब मैं दिखाता हूँ, ये हमारी सब्जी डाल दे। अब हम सब्जी को लेते हैं ऐसे ऐसे, इसको डालते हैं इसमें। ये रहा हमारा पूरा बटर, बटर लेके ये एक बार में पूरे पैन में। क्या हुआ, धुआं लग रहा? अरे हाय हाय, यहाँ पे ये हमारी तैयार खाली थी। और यहाँ रख देंगे साथ में लौनी, फ्रेश लौनी। यस यस यस, तो फिर कच्ची रोटी बनाओ। रोटी मेरे वही बना दिया, मैंने तो फिर मैं यहाँ ऑयल ना लगाने की ना भैया, है खा लेंगे भैया, तो फिर मैं कच्चा सा बना दूँ। हाँ हाँ, ना ना कच्चा सा आलू के बना। ए चूल्हे पे बढ़िया लगे। मोमोज ले लिया दो प्लेट। अच्छा, वो आ सकते हैं। एक प्लेट चिली पटेटो ले ली। देख, ऑयली खाना ना खावे, अच्छे बाहर के तो नुकसान। अच्छा, नकली में आला अच्छे लगे, बढ़िया लगे। हाँ, हमने तो देखा, हमने देखा ना घी, हमने कहा यू घी तुमने करा, ये वाला घी यहाँ का हुआ ना। करा तो मैंने, अब सेकू कच्ची लाइए बोलो उसके पराठा। बढ़िया, हाँ कोई बात ना, ठीक है। आई नीड जस्ट वन। हाँ खा लो अच्छे से, और फिर उसके बाद चलेंगे मजे। जब मैंने खाए तो मैंने बनाए, इन्होंने खाए हैं, अब मेरा बन रहा है और ये सब बना रहे। भोलू गया, कैसे कत्ते सुखा के ही दोगे मुझे पराठा? मक्खन है गंदे, मक्खन के लिए मक्खन ना खाती मैं, मुझे तो रिफाइंड का पराठा मतलब रिफाइंड। बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया। अरे जल्दी, ये तो कच्ची रोटी खावे हैं, पराठे ना खाए। कहाँ रहा है इसने, में तो पहले सारे सिर्फ बाहर का खा लो पराठे, वो ना करा लो क्या रहे, बाहर का खा लो तो ना नुकसान करे, वो नहीं करे नुकसान करे। बाहर
जैसा कि सबको पता है यहाँ पर धूप लग रही है इनके कबूतरों को, और हम सब ने तो खाना खा लिया था, बहुत ही यम्मी टेस्टी एकदम बढ़िया पराठे खाने को मिले, और सारा क्रेडिट बच्चों का इसलिए जाता क्योंकि बच्चों ने मतलब मुझे फोर्स करा कि हम चूल्हे की रोटी खाएंगे, फिर मैं ले आई। और अब सेजल के लिए बनाना था, सेजल के लिए बनाना शिवम, बाकी सारी चीज़ें खत्म होंगी, सर सब्जी तो सारी खत्म होगी, हाँ बस चटनी और ये रह रही है, ये रही चटनी, ये रही दही, ये भी अब थोड़ी बहुत खत्म, हाँ बस उतनी रह रही है। सो भाई यहाँ अच्छा लगा है बनाना या गैस पे? मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ, पर फिर भी बहुत ही बढ़िया बन रही है। ये रही करा करा पराठे, अभी इन्हें लपेट दूंगी पेपर में, इससे जल के लिए हो जाएंगे। बाकी आटा वाटा पहले तो खत्म हो गया तो दूसरा लगाया हमने, चलो चलो फिर दिखा लो, और यहाँ लेटूंगी मैं। और आज का दिन इस तरह से रहा, कैसा लगा आपको चूल्हे की रोटी का व्लॉग? और इन्होंने और मेरे देवर जी ने तो खाई थी कच्ची रोटियाँ, उनके लिए बना दी थी, अब मैंने भी खाना खा लिया है और धूप ले रहे हैं, इतनी तेज़ धूप थी और इतना अच्छा लगा आज का पूरा दिन, खिली खिली धूप, चलिए चलेंगे दिन का एंजॉय करते हुए। आ जा रही इनकी कुटर 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 कुटर, आ रही होगी ना, आ रही है, यहाँ पर खाट बिछी होगी तो मजा आ जाएंगे। खाट की क्या जरूरत है, हम लेट रहे हैं अच्छे खासे, ये बना रखा है इन्होंने, है ना, मन के इतना अच्छा बना रखा, खाट की क्या जरूरत है, ये गर्म हो जावे और फिर लेटने में भी मजा आवे, बढ़िया है। सही में इतने अच्छे लगाए कबूतरों के पास, मन लगे, लेकिन छत पर चढ़ना और उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी कोई जरूरत ना की, हाँ पूरा तू हो गए बूढ़ा मैं ओ इसके पापा, पापा देखिए कैसे हो रहा, पापा मैं नहा भी ली, पापा नहाया भी ना, जवान बता रहा जा फ्लेक्सिबल मम्मी इतना पागल है, पैर में उठा रहा बड़ा हो गया धा से, पानी प्यास लग रही है दो तीन बार, आलू पराठे खा के सच में बहुत तगड़ी प्यास लग गया। हाय एवरीवन, तो सुबह तो देखा ही था आपने चूल्हे पर रोटियां बनाई थी, और इवनिंग के टाइम में मैंने डाली है स्वेटर वगैरह, और यहाँ मेरी पनीर, ये सॉफ्ट करिए पहले, सूजन ने बनाई है, सूजन अरे जा सूजन को जाता सारा क्रेडिट, ये आज जो रेसिपी आप देख रहे हो ये काजू, अच्छा काजू और ये सब मिला के इसका मैशअप रेडी है, और उसके बाद इसे किया जाएगा सॉफ्ट, अभी बॉइलिंग होने के लिए रख दिया, मलाई वगैरह सब डाल दिया, ये सब चीजें एक्स्ट्रा है हमारे पास, यहाँ मैंने आटा लगा दिया, और आज हमारे यहाँ पर सेकंड चीज भी बन रही है, वो क्या बन रही है, पनीर मोमोज, यस पनीर मोमोज, ये पनीर मोमोज आप देख रहे होंगे फीलिंग, तो चलिए करते हैं रेडी और आपसे मिलते हैं। वाह आज सब चीज बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी मोमोज हो गए, आज के डिनर में बहुत सारी चीजें ऑब्वियस बन रही है, देखो सेजल सो के उठा है, और इतनी यम्मी टेस्टी क्रीमी बहुत काजू और बादाम ये सब, और ये शिवम क्या बना, ये हमारे कुरकुरे मोमोज, बताओ कितने सारे कुरकुरे मोमोज, यम्मी टेस्टी, अब खाएं हम सारे के सारे एंजॉय करेंगे डिनर का, हाँ चलो, और ये खाएगा कॉर्नफ्लेक्स, लाओ वन बाइट फॉर मी, मुझे ये सब दूध बहुत पसंद है पापा, तो चलिए दोस्तों आज के व्लॉग का यहीं पे करूंगी एंड, चूल्हे की इस वाली व्लॉग का आपको कैसा लगा, अगली नेक्स्ट वीडियो भी अगर आप कहेंगे तो चूल्हे की रोटी का ही आएगा, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ही चूल्हे की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं हंसी मस्ती के साथ, इस तरह से मेरी फैमिली में आपका स्वागत है, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।